आप सभी के लिए आज मैं पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स टॉपिक लेकर आया हुआ हूँ। एक पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एक हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट जिसमें फ्रूट, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, मेडिसिनल, एरोमेटिक, स्पाइसेस, प्लांटेशन क्रॉप्स के बारे में अध्ययन करते हैं, उसमें का एक ब्रांच है ये पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट की। हार्वेस्टिंग के बाद की जो भी क्रियाएँ की जाती हैं जिससे उस उत्पाद की शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाए, स्टोरेज लाइफ इंक्रीज हो जाए, उसी को हम पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट बोलते हैं। पोस्ट हार्वेस्ट में इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज मेथड्स एंड टेक्निक्स अप्लाइड टू इंक्रीज द शेल्फ लाइफ। मतलब कोई ऐसी कोई भी तकनीक जो कि उसकी जो स्टोरेज लाइफ है, भंडारण क्षमता है, उसको बढ़ाने के लिए उपयोग की गई हो, वो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट कहलाएगा। बात आती है कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि होता क्या है कि जब अभी मैं कारण भी बताऊंगा कि हमें इस सब्जेक्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी। क्योंकि जब प्रोडक्ट हार्वेस्ट होता है, पता चलता है कि किसान के खेत में 20 कट्टे आलू उत्पादन हुआ है, लेकिन जब वही आलू वो बेचने जाता है या मंडी ले जाता है या 5-6 महीने बाद जब उसको बेचता है, तो उस 20 कट्टे में पता चलता है कि 3-4 कट्टे आलू ख़राब हो गए। अब जो ये 3-4 कट्टे आलू या जो हमारा हार्वेस्टिंग के बाद जो हमारा प्रोडक्ट ख़राब हो रहा है, इसका किसी को प्राइस नहीं मिलने का, किसी से कोई फायदा नहीं। किसान का नुकसान हो रहा है, किसान इस देश का एक अमूल्य अवयव है, तो इस देश की भी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो इस सब चीज़ों को देखते हुए, किसानों को जागरूक करते हुए, सरकार की तरफ से भी बहुत सारी पॉलिसियाँ आती हैं कि हम कैसे जो हमारा पोस्ट हार्वेस्ट लॉस हो रहा है, हम उसको कैसे मिनिमाइज करें। तो यहाँ बोल रहा है कि पोस्ट हार्वेस्ट सिस्टम शुड बी थॉट ऑफ ऑफ एज इनकम्पासिंग द डिलीवरी ऑफ द क्रॉप फ्रॉम द टाइम एंड प्लेस ऑफ हार्वेस्ट टू द टाइम एंड प्लेस ऑफ कंजप्शन। मतलब जहाँ से हार्वेस्टिंग कर रहे हैं और जहाँ तक किसी के थाली में जा रहा है, कंजप्शन भी जहाँ यूज कर रहे हैं, विद मिनिमम लॉस, मैक्सिमम इफिशेंसी और मैक्सिमम रिटर्न। तो इन सब चीज़ों से क्या होगा कि जो भी फार्मर या जो भी हमारा प्रोड्यूसर होगा या जो भी आपकी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होगी, वो हमेशा क्या होगा, रिटर्न, मैक्सिमम रिटर्न गेन करेगा, तो फायदे में रहेगा। पोस्ट हार्वेस्ट एक्टिविटीज में हम क्या क्या करते हैं, आप हार्वेस्टिंग, हैंडलिंग, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग मतलब वही वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाना, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड मार्केट, इतनी चीज़ें एक्टिविटीज हम पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में करते हैं। अब बात आती है कि हमें ज़रूरत क्यों पड़ रही है, ज़रूरत क्यों पड़ रही है। देखो, हम जैसे यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ फ्रूट एंड वेजिटेबल की या हॉर्टिकल्चर की, तो हमें सबसे पहले मैं उसका इकोनॉमिकल और न्यूट्रिशनल इंपॉर्टेंस के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ कि व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस या न्यूट्रिशनल या इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप। तो हॉर्टिकल्चर जो सेक्टर है, जैसे ये एग्रीकल्चर सेक्टर में आता है, एग्रीकल्चर सेक्टर की टोटल GDP में हॉर्टिकल्चर 30% शेयर करता है, जबकि जो एरिया है कल्टिवेबल लैंड उसका सिर्फ 11% यूज करता है हॉर्टिकल्चर, और शेयर कितना करता है, 30%। वेजिटेबल्स को अभी 204 मिलियन टन उत्पादन वेजिटेबल्स में हो रहा है और 95 मिलियन टन के आसपास फ्रूट की केस में हो रहा है। तो इसका तो अभी ये क्या हुआ, इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस हुआ कि ये इतना हमारे GDP में, आपका एग्रीकल्चर GDP में हॉर्टिकल्चर शेयर कर रहा है। और दूसरा इसका न्यूट्रिशनल इम्पोर्टेंस के बारे में बात करें, तो फ्रूट एंड वेजिटेबल जैसे हमें पता है कि बहुत अच्छे सोर्स होते हैं विटामिन के, मिनरल्स के, प्रोटीन के, कार्बोहाइड्रेट के, डाइटरी फाइबर्स के, इवन एंटीऑक्सीडेंट्स के, जो कि हमारी बॉडी को प्रतिरक्षा या हमारी बॉडी को रक्षा प्रदान करते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या हो रहा है कि जब हम तोड़ाई की बात, जब इतनी ज़्यादा बात करता हूँ कि जो ह्यूज लॉस हो रहा है, लगभग 20 से 40% जो है लॉस हो जा रहा है, अब उसको हम मिनिमाइज, क्योंकि इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारी जो इकोनॉमी पे असर पड़ रहा, और जो हमें गैप जो मतलब बोला जाता है कि पर पर्सन को ICMR के अनुसार, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अनुसार, प्रत्येक पर्सन को 300 ग्राम सब्जी खानी चाहिए। अब हो क्या रहा है कि 300 ग्राम सब्जी, इतना लॉस प्रोडक्शन तो आज मतलब हम फुलफिल कर रहे हैं, लेकिन एक जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस होने की वजह से हमारा जो प्रोडक्शन, जो कंजप्शन है, पर डे पर कैपिटा, वो हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोड्यूस इन इंडिया इज लॉस्ट ड्यू टू इम्प्रॉपर पोस्ट हार्वेस्ट ऑपरेशन। एज ए रिजल्ट देयर इज ए कंसिडरेबल गैप बिटवीन द ग्रॉस प्रोडक्शन एंड नेट अवेलेबिलिटी। बोल रहा है कि अगर हम जो पोस्ट हार्वेस्ट ऑपरेशन करते हैं, हमारा इम्प्रॉपर होता है, जिसकी वजह से कंसिडरेबल
कंसिडरेबल गैप है जो प्रोडक्शन हो रहा है और जो नेट अवेलेबिलिटी है, जिसके कारण क्या हो रहा है। और दूसरा क्या है कि हमारा जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है वेजिटेबल में, जितना उत्पादन हो रहा है उसका less than 1% केवल हम प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में यूज कर रहे हैं। जैसे आलू में हम 5 किलो 50 मतलब दो जितना 2.5 मिलियन टन जो भी हम उत्पादन करते हैं, उसका क्या हो रहा है कि सिर्फ 0.1% या 1% उसमें केवल हम आलू का चिप्स या इस इंडस्ट्री में यूज करते हैं, बाकी हम सिर्फ टेबल पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं। वो तो आलू की बात कर रहा हूँ जिसमें मोस्टली यूज करते हैं, ऑनियन पोटेटो को छोड़ दिया जाए तो मोस्टली वेजिटेबल टेबल पर्पज के लिए यूज होते हैं, हम प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में जाते ही नहीं। अब ये जो लॉसेस हैं, अब देखा जाए, देखो जैसा कि प्रिडिक्ट किया गया है IBR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च के अनुसार कि 2050 तक आने तक हमारी पॉपुलेशन बहुत बढ़ जाएगी, और जो कि अभी जो उत्पादन है 200 मिलियन टन और 2050 तक वो डिमांड करने लगेगा 375 मिलियन टन। अब सोचिए कहाँ 200 मिलियन टन अभी करेंट में ही है, 375 मिलियन टन। हमारी खेती तो बढ़ेगी नहीं, खेती तो उतनी है। इवन दिन ब दिन इंडस्ट्रियलाइजेशन, शहरीकरण, इसके और आपका डेवलपमेंट की वजह से दिन ब दिन हमारे एग्रीकल्चरल लैंड्स की और कम होती चली जा रही हैं, और पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही है तो कृषि जोत भी कम होता जा रहा है। तो ऐसे केसेस में बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम अपनी जो प्रोडक्शन पोटेंशियल है उसको इंक्रीज कर सकें, और साथ में अगर जब ये लॉस हो रहा है, क्योंकि देखो हम एरिया तो नहीं ज़्यादा इंक्रीज कर सकते, वो चीज़ अदर चीज़ है, लेकिन अगर ये जो लॉस हो रहा है हमारा 30 से 40%, अगर हम इसको मिनिमाइज कर दें तब भी हम बहुत ज़्यादा जो हमारा गैप हो रहा है प्रोडक्शन और अवेलेबिलिटी में, हम उसको बहुत ज़्यादा जो बहुत बड़ी खाई है उसको हम मेंटेन कर सकते हैं विद मतलब प्रॉपर पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस के साथ में। काजेज क्या होता है, पोस्ट हार्वेस्ट जो लॉसेस होते हैं उसके कारण क्या होता है, अगर हम इम्प्रॉपर हैंडलिंग या स्टोरेज कॉजेज, फिजिकल डैमेज, तो फिजिकल लॉस होगा अगर हम हैंडलिंग अच्छे से नहीं कर रहे हैं, कट पिट गया कहीं पे, मैकेनिकल लॉसेस हो जाता है, जैसे फिजियोलॉजिकल लॉसेस होते हैं अगर उसमें रेस्पिरेशन ट्रांसपिरेशन अगर प्रैक्टिसेस हो रही है तो जो भी उसमें स्टोर्ड एनर्जी होगी वो खुद ही ख़त्म होता जाएगा। और लास्ट में बचता है आपका माइक्रोबियल लॉसेस, मोस्टली जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस होता है माइक्रोबियल लॉस के कारण होता है। तो ये आपके यही तीन चार कारण होते हैं, फिजिकल लॉस, मैकेनिकल लॉस और फिजियोलॉजिकल लॉस और माइक्रोबियल लॉस। और एक चीज़ मैं अभी भी बताता चलूँ कि मोस्टली हम जो जितने लॉसेस होते हैं इसमें हम माइक्रोबियल लॉस कंट्रोल करने के और फिजियोलॉजिकल लॉस को कंट्रोल करने के लिए जितनी भी प्रैक्टिसेस अपनाते हैं इन्हीं दो के लिए अपनाते हैं, कंट्रोल और मिनिमाइजेशन ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। देखो जैसा कि हमें पता है कि फ्रूट्स या वेजिटेबल्स जो होते हैं वो हाईली पेरिशेबल नेचर के होते हैं। हाईली पेरिशेबल नेचर का मतलब इसमें मॉइस्चर कॉन्टेंट बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि इसमें आपकी इनकी शेल्फ लाइफ कम होती है, इवन माइक्रोबियल अटैक होने के भी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ये बहुत ज़्यादा इनकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज भी होती है, तो इन फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी और माइक्रोबियल एक्टिविटी हमें दोनों को चेक करना होगा विद साइंटिफिक हार्वेस्टिंग, जो आपका मैच्योरिटी इंडेक्सेस है एंड हैंडलिंग के साथ, और इसका जो भी आपका वेरियस प्रोटोकॉल्स है, जो भी वेरियस प्रोटोकॉल्स मतलब जो हमें चीज़ें पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस फॉलो करनी, उन्हें हमें फॉलो करना होगा। लगभग सभी क्रॉप के लिए हमें स्टोरेज फैसिलिटीज डेवलप करनी होगी, जैसे अभी इंडिया में आलू और प्याज के लिए स्टोरेज फैसिलिटी है, बाकी और क्रॉप के लिए नहीं है, तो हमें और भी स्टोरेज कंडीशन कोल्ड स्टोरेज डेवलप करने की ज़रूरत है। और हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है किसानों को ट्रेन करने की, कोल्ड चैन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की, ठीक है, और उसके बाद और फैसिलिटीज जैसे सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, पैकिंग या पोस्ट हार्वेस्ट ट्रीटमेंट, इन सारी चीज़ों की हमें डेवलप करने की ज़रूरत है। अब इसमें देखते हैं कौन कौन सी प्रैक्टिसेस हम अपनाते हैं, कि तुड़ाई से पहले की भी कुछ प्रैक्टिसेस होती हैं जो उसके सेल्फ लाइफ को प्रभावित करता है, जैसे कि सिलेक्शन ऑफ वैराइटीज। अगर हम हमें पता है कि किसी वैरायटी की सेल्फ लाइफ हार्वेस्ट करने के बाद भी बहुत अच्छी होती है तो ऐसी वैरायटियाँ हमें ग्रो करनी चाहिए। कल्चरल ऑपरेशन में आपका आ जाएगा जिसमें आपका मैन्योर फर्टिलाइजर एप्लीकेशन, उसको क्रॉप को पानी देना, क्रॉप फील्ड की अच्छी खासी इंटरकल्चरल ऑपरेशन करना, ये सब कल्चरल ऑपरेशन में आ जाएगा। फिर उसके बाद हार्वेस्टिंग से पहले कुछ ट्रीटमेंट देते हैं कि उसमें तुड़ाई के बाद कोई रोग ना आने पाए या जमाव ना होने पाए, वो सारी चीज़ें हम उसमें करते हैं, मैच्योरिटी इंडाइसेस और फिर उसके बाद हार्वेस्टिंग। पोस्ट हार्वेस्ट प्रैक्टिसेस पर मतलब जब हम हार्वेस्टिंग कर लेते हैं उसके बाद क्या करते हैं, सबसे पहले क्यूरिंग करते हैं। क्यूरिंग एक प्रैक्टिस होती है जब हम उसमें फील्ड में ही प्रोडक्ट को क्या करते हैं, हीप बना के रख देते हैं, जिसके कारण गर्मी के कारण क्या होते हैं उसकी ऊपरी त्वचा मजबूत हो जाती है। जब ऊपरी त्वचा मजबूत हो जाती है तो उसमें वाटर लॉस होने के चांसेस कम हो जाते हैं और बाहर से माइक्रोबियल इंसेक्ट अटैक होने के भी चांसेस कम हो जाते हैं। डिग्रीनिंग जैसे साइट्रस में किया जाता है, ये सारी चीज़ें। प्री कूलिंग अगर हम कभी देखते हैं जैसे हमने शाम में कोई प्रोडक्ट तोड़ रहे हैं तो उसको हम ठंडे पानी में फील्ड से ले जाने के बाद ठंडे पानी में ले जाते हैं कि जो फील्ड में गर्मी थी उसको बाहर निकाल के
अगर उसको हम बाहर निकाल देते हैं तो उसकी भी सेल्फ लाइफ थोड़ी बहुत बढ़ जाती है। फिर वॉशिंग, ड्राइंग, सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग, ट्रिमिंग, पोस्ट हार्वेस्ट ट्रीटमेंट, तोड़ाई के बाद जो केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं, वैक्सिंग करते हैं जैसे ब्रिंजल, सेब, इन सब चीज़ों में देखा होगा, इरेडिएशन, या जिसमें हम रेडिएशन के माध्यम से कोल्ड स्टरलाइजेशन भी इसको बोलते हैं, प्री पैकेजिंग, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, और आपकी प्रोसेसिंग लास्ट में आ जाएगा इसमें। ये इतने चीज़ें जो होती हैं आपकी पोस्ट हार्वेस्ट, हार्वेस्टिंग के बाद की प्रैक्टिसेस होती है जिनको हम पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग भी बोलते हैं, ठीक है। ये और इधर जो बाएँ साइड है आपकी प्री हार्वेस्ट प्रैक्टिसेस होती है। टेक्नोलॉजीज क्या क्या हैं आपकी, वही कल्चरल ऑपरेशन जो भी पीछे चर्चा हुआ, हार्वेस्टिंग एंड मेच्योरिटी डैशेज, पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग, प्री एंड पोस्ट हार्वेस्ट ट्रीटमेंट्स, स्टोरेज, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, या जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाना। ये हमारे कुछ मेजर आपके जो टेक्नोलॉजीज होते हैं जिनके माध्यम से हम किसी प्रोडक्ट की सेल्फ लाइफ, या हम वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बना के उसका कोई बाई प्रोडक्ट बना के उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग प्राइस को इंक्रीज कर देते हैं जिससे हमें हायर रिटर्न प्राप्त होता है। प्री हार्वेस्ट प्रैक्टिसेस में क्या क्या आती है, पहला कल्चरल ऑपरेशन, वही जो मैं बताया आपका, कल्चरल ऑपरेशन हमेशा जो होता है वो इंश्योर करता है एक हेल्दी क्रॉप, और हेल्दी क्रॉप जब भी होगा तो आपका जो प्रोडक्ट होगा वो भी बहुत अच्छा खासा होगा, अच्छा खासा होगा तो आपको ज़्यादा चांसेस होगा तो उसकी सेल्फ लाइफ क्या हो, प्रोलॉन्ग हो। हमेशा जब भी जाएँ तो हमेशा फील्ड में एक फाइन टिल्थ, जो उसके मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी सॉइल होती है उसको बहुत अच्छे से मेंटेन करें क्रॉप के हिसाब से। इरेगुलर इरीगेशन कभी नहीं देना चाहिए, मतलब हमेशा जो इरीगेशन देना चाहिए कंटिन्यूस अंतराल पर देना चाहिए, मतलब एक सतत अंतराल पर देना चाहिए। ये नहीं कि आज दे दिए फिर 20 दिन बाद दो, ऐसे केसेस में क्या होता है पौधे में स्ट्रेस डेवलप होता है, स्ट्रेस डेवलप होता है तो फिर जो फ्रूट क्वालिटी, हमारा जो प्रोडक्ट क्वालिटी वो डिक्रीज हो जाता है। ओनियन और गार्लिक के केस में हमेशा 3 सप्ताह पहले पानी रोक देना चाहिए, जिसके कारण क्या होता है कि हार्वेस्टिंग के बाद जब स्टोरेज में जाते हैं तो स्प्राउटिंग नहीं होता है, आपकी जो बल्ब होगी उसकी क्वालिटी अच्छी रहती है। मैन्योर और माइक्रो माइक्रो एंड माइक्रो फर्टिलाइजर जो भी होते हैं उनका हमें बैलेंस एप्लीकेशन करना चाहिए। इंटरकल्चर ऑपरेशन ट्रेनिंग प्रूनिंग हमें प्रॉपर फॉलो करना चाहिए। मल्चिंग बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है, अगर हम मल्चिंग फॉलो करते हैं तो हमें अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट, हायर रिटर्न, हायर यील्ड, और साथ में हमारी जो जो क्वालिटी प्रोड्यूस होता है, क्योंकि वो फील्ड हीट उस पर ज़्यादा अटैक नहीं कर सकता है, फील्ड हीट का ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, तो जिसके कारण उस प्रोडक्ट की सेल्फ लाइफ ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है, ठीक। और अगर हमें पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को रोकना है तो एक कल्चरल ऑपरेशन भी जो हमारी होती है प्री हार्वेस्ट प्रैक्टिसेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इस चीज़ को हमें फॉलो करना पड़ेगा। प्री हार्वेस्ट केमिकल ट्रीटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। प्री हार्वेस्ट केमिकल ट्रीटमेंट जब फसल आपकी तोड़ाई से पहले खड़ी हो तो उसके केस में जैसे ओनियन के केस में मेलिकार्डाजाइड 2000 से 3000 PPM 15 दिन पहले दे देते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि स्टोरेज में ओनियन जर्मिनेट नहीं, स्प्राउट नहीं होता, जर्मिनेट नहीं होता। सेम चीज़ पोटैटो में भी करते हैं, गार्लिक में भी किया जाता है। एन बेंजाइल एडेनिन जो होता है BA है, आपका हार्मोन है, ये यूज करते हैं हम लीफी वेजिटेबल्स में, जिसके उसके कारण सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। टोमेटो के केस में पोस्ट हार्वेस्ट रोग न लगे इसके कारण हम डाइफोलोटान 0.2% एट 10 डेज इंटरवल, हार्वेस्टिंग से पहले जब हम उसमें जाते हैं तो हम उसको इंटरवल पे देते रहते हैं, जिसके कारण उसमें पोस्ट हार्वेस्ट डिजीज नहीं आती है। फिर उसके बाद हार्वेस्टिंग, मतलब हमें पता होना चाहिए कि किस प्रोडक्ट की कब हमें हार्वेस्टिंग करनी है, मतलब व्हेन दे अटेन मैक्सिमम साइज एंड आर इट टेंडर एंड ग्लॉसी, हमें यह चीज़ पता होना चाहिए। हर क्रॉप की अपनी मेच्योरिटी इंडाइसेस अलग अलग होती है, जैसे टमाटर में हमें लोकल मार्केट में तोड़ना है तो रैप स्टेज, अगर हमें मेरठ से लखनऊ भेजना है या और दूर भेजना है तो हम क्या करते हैं ब्रेकर स्टेज पे तोड़ते हैं, मतलब जो हल्का हल्का पिंक होने लगता है, ठीक। और ऐसे ही आम के केस में होता है, आम के केस में जब देखते हैं कि आम में कोई टपका विधि आम में अपनाते हैं कि अगर एक दो तो फल गिरना शुरू हो गया मई लास्ट में ऐसा, तो हम समझ जाते हैं कि आम में पकने की अवस्था आ गई, तो पूरे आम को हम उसमें तोड़ लेते हैं। आम एक क्लाइमेटिक होता है जिसके कारण आप उसे जब रख देते हैं तो उसमें इथाइलिन प्रोडक्शन स्वयं होने लगता है और वो आम पक जाता है, ठीक। डिलेड हार्वेस्टिंग ऑफ ओनियन गार्लिक रिड्यूस स्टोरेज क्वालिटी, अगर हम प्रॉपर टाइम पे हार्वेस्टिंग नहीं करेंगे तो आपका प्रोडक्ट क्वालिटी भी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। और हार्वेस्टिंग हमेशा कूलर पार्ट ऑफ द डे करना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि मॉर्निंग हावर्स में ही हार्वेस्टिंग कर लेना चाहिए, और उसको फिर हमें कहीं शेड से मतलब उसकी छायादार स्थान पर रखना चाहिए। शाम में जब हम करते हैं या दोपहर में जब हम करते हैं तो प्रोडक्ट में क्या होता है कि उसमें पिल्टिंग या श्रिवलिंग होने की संभावना हो जाती है, मतलब सुसुक सा जाता है या थोड़ा बटू, मतलब उसको क्या बोलेंगे, छोटा सा हो जाता है साइज में, फिर कंज्यूमर उसकी डिमांड नहीं करता है, तो कंज्यूमर डिमांड नहीं करेगा तो ऑटोमेटिकली फिर आपको नुकसान होगा जो वो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस में आएगा। पोस्ट हार्वेस्ट प्रैक्टिसेस आर हैंडलिंग, अब आगे, अभी तक तो क्या था प्री हार्वेस्ट, अब पोस्ट हार्वेस्ट। पोस्ट हार्वेस्ट में सबसे पहले हम तोड़ने के बाद क्या करते हैं, और कोई प्रोडक्ट हमने हार्वेस्ट किया उसके बाद हम वॉशिंग, प्रोडक्ट को अच्छे से धोते हैं, फिर
उसको अगर कोई प्रोडक्ट कहीं कटा छटा या कहीं किसी में रोग लगा है तो उसको हम काट करके करते हैं निकाल देते हैं, उसी को बोलते हैं ट्रिमिंग। फिर उसके बाद सॉर्टिंग, अगर हम देखते हैं कि कोई डैमेज या ऐसा प्रोडक्ट है तो उसको क्या करते हैं, सॉर्ट आउट कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, उसको उसके साथ में नहीं रखते हैं। क्योंकि अगर कोई सड़ा हुआ प्रोडक्ट या कटा हुआ प्रोडक्ट पूरे हो आपके पूरे लॉट में होगा तो पूरे के पूरे क्रॉप उसको क्या करेगी, उत्पादन जो आपका पूरी उत्पादन यूनिट है उसको खत्म, लॉस का मतलब कोई रोग और आ जाएगा तो लॉस हो जाएगा बहुत ज़्यादा, इसलिए उसको सॉर्ट आउट कर देते हैं जो भी रोग। अब देखो ट्रिमिंग में क्या होता है कि उसको काट कर बाहर निकाल देंगे, रोगी मतलब जो फल होगा उसमें जो जहाँ पर थोड़ा बहुत धब्बा या कुछ है वो उसको काट कर बाहर निकाल देते हैं। सॉर्टिंग में क्या करते हैं, पूरा को पूरे फल को ही हम बाहर निकाल देते हैं जिसमें रोग है। फिर उसके बाद हम ग्रेडिंग में जाते हैं, ग्रेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ग्रेडिंग एक ऐसी फिनोमिना है कि जैसे हम लोग जाते हैं मार्केट में, मैं गया 100 रुपये किलो सेब ले आया, मेरा भाई मतलब पड़ोस वाला गया वो 90 रुपये में सेब ले आया, 80 रुपये में ले आया। अब घर लेकर आते हैं तो हमारे जो घर में मतलब माँ होंगी वो बोलेंगी देखो कितना सस्ता ले आया, तो महंगा ले आया, पता नहीं भी ऐसे वगैरह वगैरह। देखो यहाँ सारी चीज़ें होती हैं ग्रेडिंग की, जिसकी टॉप ग्रेडिंग होगी उसकी प्राइस उतनी ही अच्छी होगी, जो लो ग्रेडिंग की होगी उसकी प्राइस कम होगी। तो ग्रेडिंग का खेल हमें समझना पड़ेगा, और ग्रेडिंग हमेशा हम ऑन द बेसिस आप कलर करते हैं, जैसे टोमेटो में ब्रिंजल में साइज करते हैं, तो आपका फ्रूट फ्रूट बल्ब वेजिटेबल्स में मेच्योरिटी के आधार पे करते हैं, ओकरा कुकुम्बर रिज गार्ड बिटर गार्ड जितने कुकुरबिटेसियस होते हैं, और राइपनेस जिसमें टोमेटो के आधार पर हम ये चीज़ें करते हैं, मतलब साइज कलर शेप इनके आधार पर हम ग्रेडिंग करते हैं। जैसे टमाटर में है सुपर ए जो बहुत अच्छा साइज का और एकदम रेड कलर का हो, सुपर फैंसी कमर्शियल, 4 ग्रेडिंग टमाटर में है, सुपर फैंसी कमर्शियल 3 ग्रेड आपका ब्रिंजल में है। प्री कूलिंग एंड कूलिंग, प्री कूलिंग की डिफिनेशन होती है रिमूवल ऑफ द फील्ड हीट बाय द एप्लीकेशन ऑफ इन वाटर या मतलब वाटर ट्रीटमेंट या किसी भी माध्यम से। प्री कूलिंग इज द प्रोसेस ऑफ रैपिडली रिमूविंग द फील्ड हीट फ्रॉम कमोडिटीज, ठीक। सेपरेट ऑफ जो होता है स्टोरेज है उसके पहले के हम ये ऑपरेशन करते हैं, सेपरेट ऑपरेशन होता है भी ध्यान रखना है। और उसके बाद कूलिंग मेथड्स में हम हाइड्रो कूलिंग, वैक्यूम कूलिंग आपका ये सारी चीज़ें यूज करते हैं, फोर्स्ड एयर कूलिंग, पैकेज आइसिंग या वैक्यूम कूलिंग। वैक्यूम कूलिंग बहुत कॉस्टली होता है, जनरली इंडिया में यूज नहीं किया जाता है। और पैकेजिंग जो फॉलोड बाई प्री कूलिंग कंसिडरेबली इनहेंस द सेल्फ लाइफ ऑफ वेजिटेबल प्रोड्यूस्ड बाई रिड्यूसिंग द फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल चेंजेस। अगर हम प्री कूलिंग के बाद ही हम क्या करते हैं प्रोडक्ट को पैकेज करते हैं लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन शीट को लेते हुए, तो उसमें हमें माना जाता है कि उस प्रोडक्ट की सेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाती है, ठीक। क्यूरिंग, क्यूरिंग भी एक प्रैक्टिस होता है जिसमें हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, मे बी डिफाइंड एज एक्सपोजर ऑफ प्रोड्यूस टू हायर टेम्परेचर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी, मतलब हायर टेम्परेचर और हायर रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे प्रोडक्ट को हम क्या करते हैं खेत में ही रख देते हैं, एक हीप बना के ढेर बना के उसको फिर हम क्या करते हैं 1 2 दिन 3 दिन के लिए छोड़ देते हैं। फिर क्या होता है कि जो हार्वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं वो थोड़ा मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है, और मोस्टली ये क्यूरिंग जो होती है रूट क्रॉप या ट्यूबर क्रॉप में किया जाता है, मतलब जो ज़मीन के नीचे जिनका प्रोडक्ट होता है जड़ वाली, और जो ऐसी फसलें जो ज़मीन के नीचे मतलब जो उनका प्रोडक्ट हो जो ज़मीन के नीचे हो रहा है, तो उनको जब उसमें रख देते हैं तो उनकी जो लेयर कमज़ोर होती है हार्वेस्टिंग के समय, अगर हम 2 3 दिन के लिए छोड़ देते हैं तो उसकी जो ऊपरी लेयर होती है वो मजबूत हो जाती है। अब जब ऊपरी लेयर मजबूत हो जाएगी तो उसका क्या फ़ायदा होगा, उसका जो मतलब उसका ये फ़ायदा होता है कि मॉइस्चर कंटेंट जो होता है वो आपका लॉस कम होगा, इवन जब हार्ड लेयर हो जाएगा तो कोई इंसेक्ट भी उससे जल्दी अटैक नहीं कर पाएगा। स्वीट पोटैटो के लिए क्यूरिंग टेम्परेचर आपका 33 डिग्री सेल्सियस होता है और 95% आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी होना चाहिए। पोटैटो में 18 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 डेज एंड 7 to 10 डिग्री सेल्सियस एंड 95% RH फॉर 10 to 12 डेज, मतलब 18 डिग्री सेल्सियस आपका 2 दिन के लिए होना चाहिए। ओनियन के केस में 37.8 डिग्री सेल्सियस फॉर 3 to 5 डेज, और बहुत कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है आर्टिफिशियल क्यूरिंग रिक्वायर, आर्टिफिशियल क्यूरिंग टेम्परेचर फॉर ओनियन 40 डिग्री सेल्सियस फॉर 16 आवर्स। बैक्सिंग, बैक्सिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, किसी भी प्रोडक्ट में आप बैक्सिंग कर दोगे तो उसकी जो रेस्पायरेशनल और ट्रांसपिरेशनल लॉस होती है जो प्रोडक्ट में जो फिजियोलॉजिकल लॉस में आपको बताया था, तो उसके कारण क्या हो जाता है कि बहुत बैक्सिंग जब हम बैक्सिंग बैक्स इमल्सन यूज कर देते हैं तो वो चीज़ें आपकी फिजियोलॉजिकल लॉसेस रुक जाती हैं, और फिर अगर बैक्स इमल्सन में हम कोई फंगिसाइड यूज कर दिए तो उस पर माइक्रोबियल अटैक भी नहीं होगा। तो माइक्रोबियल और फिजियोलॉजिकल दोनों को हम बैक्सिंग के माध्यम से रोक सकते हैं, और फ्रूट वेजिटेबल्स में मोस्टली यूज किया जाता है, फ्रूट एंड वेजिटेबल दोनों में, तो ऐसे केसेस में उसकी सेल्फ लाइफ एक कुछ समय के लिए इंक्रीज हो जाती है। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, देखो आपकी जैसे बैक्सिंग क्या है, इट इज़ यूज एज प्रोटेक्टिव कोटिंग फॉर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एंड हेल्प इन रिडक्शन इन
लॉस इन मॉइस्चर एंड रेट ऑफ रेस्पिरेशन एंड अल्टीमेटली रिजल्ट्स इन प्रोलॉन्ग्ड शेल्फ लाइफ। लॉस ऑफ मॉइस्चर एंड रेट ऑफ रेस्पिरेशन, लॉस ऑफ मॉइस्चर मतलब ट्रांसपिरेशन और रेट ऑफ रेस्पिरेशन विद रेस्पिरेशन। ठीक, द लेयर ऑफ पैक्स रिड्यूसेस द रेट ऑफ रेस्पिरेशन ट्रांसपिरेशन, जो चीज़ हमें बात किया। ठीक, अब पैक्स इमल्शन में जनरल पैक्स इमल्शन इज यूज 6 to 12% कंसंट्रेशन डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ वेजिटेबल्स। और फंगीसाइड जैसे बेनलेट, थायाबेंटाजोल और बेनोमिल मोस्टली यूज किए जाते हैं पैक्स इमल्शन ओ के साथ। पैक्स इमल्शन ओ के साथ इनको यूज किया जाता है, जो 6 से 12% कंसनट्रेशन होता है, जिससे उसकी सेल्फ लाइफ प्रोडक्ट की इंक्रीज हो जाती है। पोस्ट हार्वेस्ट केमिकल ट्रीटमेंट, पोस्ट हार्वेस्ट केमिकल ट्रीटमेंट मतलब अभी तक ये सारी चीज़ें जो हमने पढ़ा, वॉशिंग, ग्रेडिंग, ट्रिमिंग, सॉर्टिंग, क्यूरिंग, ये सारी चीज़ें क्या थी, हैंडलिंग की ये चीज़ें थी। अब उसके बाद हम आगे ट्रीटमेंट पे, कि अगर तोड़ाई के बाद भी हमें ज़रूरत पड़ रही कि इसमें रोग लग सकता है या ऐसा लॉसेस हो सकता है, तो पहला होता है प्लांट प्रोटेक्शन केमिकल, जिसमें हम फंगिसाइड या पेस्ट मोल्ड को ख़त्म करने के लिए यूज करेंगे। एंटी ट्रांसपेरेंट, जो हम वाटर लॉस को रोकेंगे। ग्रोथ सबस्टेंस, जो हार्मोन होगा जो उसकी सेल्फ लाइफ को इंक्रीज करेगा। और उसके बाद इथाइलिन एडसॉर्बेंट, जो प्रोडक्ट को बहुत जल्दी पकाता है, ख़त्म करता है। तो ऐसे में पैकेजिंग में हम क्या करते हैं, इथाइलिन एडसॉर्बेंट्स यूज कर लेते हैं, जिसके कारण वो इथाइलिन को एब्जॉर्ब कर लेता है और प्रोडक्ट फिर जब इथाइलिन रहेगा ही नहीं तो पकेगा ही नहीं, और पकेगा नहीं तो ऑटोमेटिक उसकी सेल्फ लाइफ क्या होगी, थोड़े दिन के लिए बढ़ जाएगी। प्लांट प्रोटेक्शन केमिकल्स, प्लांट प्रोटेक्शन केमिकल्स में फंगिसाइड्स है बेनलेन, जो हम बात कर रहे हैं बेनलेट, बेनोमिल, ये सारी चीज़ें होती हैं। एंटीबायोटिक्स में स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये सब चीज़ें फ्रूट एंड वेजिटेबल में यूज किए जाते हैं। बिनोमिल इज इफेक्टिव इन टोमेटो टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ मोस्ट डैमेजिंग फंगाई, जो भी ड्राई रॉट ऑफ गार्लिक कैन बी इफेक्टिव कंट्रोल बाई फार्मेलिन। आप इसको नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर गार्लिक का ड्राई रॉट हमें कंट्रोल करना है तो कौन सा केमिकल हम यूज करते हैं। ब्लैक मोल्ड ऑफ ओनियन, इसमें हम क्या करते हैं, लाइम का डस्ट करते हैं 12 kg प्रति हेक्टेयर में एट द कट सरफेस, जो होता है कट सरफेस जो हम काट देते हैं तो उसकी जो कट सरफेस होती है उस पर लाइम का डस्ट का स्प्रे कर देते हैं 12 kg पर हेक्टेयर से। तो उसमें ब्लॉक ब्लॉक मोल्ड, जो देखो ओनियन हम कभी मार्केट से खरीद के जाते हैं 4-5 दिन रख देते तो उसमें काला काला चूर निकलने लगता है, उसी को ब्लैक मोल्ड बोलते हैं। डिपिंग ऑफ पैक्ड स्पिनच एंड लेट्यूस इन स्ट्रेप्टोमाइसिन 1000 ppm चेक द अटैक ऑफ बैक्टीरियल सॉफ्ट रॉट डिजीज। बैक्टीरियल सॉफ्ट रॉट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज फॉर द पोस्ट हार्वेस्ट लॉस इन वेजिटेबल क्रॉप्स। एंटी ट्रांसपेरेंट्स, दीज केमिकल्स आर यूज टू क्लोज द स्टोमेटा एज दे फॉर्म ए थिन फिल्म ओवर द प्रोड्यूस टू चेक ट्रांसपेरेशन एंड लॉस। वे जो मैं आपको बता रहा था कि अगर हम इससे किसी लेयर पर हम क्या करेंगे एंटी ट्रांसपेरेंट से स्प्रे कर देंगे तो जो स्टोमेटा होता है वो क्लोज हो जाएगा। स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा तो ट्रांसपेरेशन होने का ही नहीं। तो मोस्टली जो स्टोमा आपके होते हैं स्टोमेजा क्लोटिंग क्लोजिंग टाइप एंटी ट्रांसपेरेंट, फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट बहुत पूछा जाता है कम्पिटेटिव एग्जाम में, एसेसिक एसिड एंड हाई CO2 कंसेंट्रेशन, फिल्म फॉर्मिंग टाइप बैक्सेस, प्लास्टिक फिल्म, सिलिकॉन ऑयल्स, रिफ्लेक्टिव टाइप क्योलिनाइन या क्योलिन जिसको हम बोलते हैं लाइम वाटर। तो क्योलिन और फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट दो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप नोट कर लेना। ठीक है, ग्रोथ सबस्टेंस, ग्रोथ सबस्टेंस में मतलब वो हार्मोन्स होते हैं जिसमें हम यूज करते हैं, जो इंडिजिनस प्लांट हार्मोन होते हैं जैसे ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकिनिन। अगर एक्सोजेनस एप्लीकेशन इनका हम करते हैं तो ये भी क्या करते हैं, उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को प्रभावित करते हैं, जिसके कारण उसकी सेल्फ लाइफ होती है इंक्रीज हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर प्री या पोस्ट हार्वेस्ट एप्लीकेशन आप PN6-benzoin-adenine PA 5 से 50 ml इफेक्टिवली रिटार्ड द प्रोसेस ऑफ सेनेसेंस इन कैबेज कॉलीफ्लावर व्हिच लीड्स टू एलोइंग। लीफी वेजिटेबल्स में भी हम इसको यूज़ करते हैं तो एलोइंग जो होता है उसको क्या करता है, रिटार्ड करता है। एलोइंग होता है किसके कारण, एलोइंग मोस्टली जो होता है वो आपकी इथाइलिन के कारण होता है। तो इसको बेंजाए जो आपका है बेंजाएडिनिन BA हार्मोन हम यूज करते हैं कोल क्रॉप्स और लीफी वेजिटेबल्स। ग्रोथ सबस्टेंस में और भी है, ऑक्सिन का भी यूज करता है लीफ एसेसन और कॉलीफ्लावर के लिए। जिब्रेलिन डिलेज द राइपनिंग ऑफ टोमेटो एंड चेक्स द डिग्रेडेशन ऑफ क्लोरोफिल लीफी वेजिटेबल्स। LR जो होता है सोलन पोटेटो में जो सोलेनिन सिंथेसिस होता है जो ग्रीन कलर डेवलप होने लगता है कई बार, जब लाइट पड़ता है स्टोरेज कंडीशन में भी तब भी ग्रीनिंग डेवलप होने लगती है। तो ऐसे केसेस में एल आर अप्लीकेशन कर देते हैं, एल आर का स्प्रे कर देते हैं तो ग्रीनिंग नहीं होती है। मैलिक हाइड्राजाइड अगर हम उसमें ओनियन में वीकली इंटरवल पे करें तो उसमें भी आपका क्या होगा, स्प्राउटिंग नहीं होता है। इथालिन एब्जॉर्बेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कम्पिटेटिव एग्जाम से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कम्पिटिशन में बहुत पूछा जाता रहा है। इथालिन एक वोलेटाइल हार्मोन होता है जो प्लांट में सिंथेसाइज होता है और सेनेसेंस का आज काम करता है किसके लिए, रैपेनिंग के, और जो रैपेनिंग के बाद सेनेसेंस के लिए ऑटो कैटलिस्ट का काम करता है। सेनेसेंस मतलब डेथ स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट, डेथ स्टेज ऑफ द प्लांट। अब ऐसे हार्मोन जो होते हैं जो पैकेजिंग के मतलब इसको ऐसे हमें क्या होता है, जो मैं बताया था आपको प्रोडक्ट में जो लॉसेस होते हैं जिसमें फिजियोलॉजिकल लॉस है,
तो फिजियोलॉजिकल में वही जो आपके रॉ को कंट्रोल करना पड़ता है हमें, जो पेनिंग प्रोसेस में इथाइलिन प्रोड्यूस होता है, तो इथाइलिन क्या करता है कि प्रोडक्ट में रिस्पायरेशन रेट बढ़ाता है, रिस्पायरेशन रेट बढ़ाता है तो उतने ज़्यादा, क्योंकि उसी प्रोडक्ट की अपनी जो एनर्जी उसको यूज करेगा, प्रोडक्ट एनर्जी यूज करेगा, प्रोडक्ट खराब हो जाएगा जल्दी। वैसे केसेस हमें उनको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, पैकेज में इथाइलिन एब्जॉर्बेंट्स, आपका ब्रोमिनेटेड एक्टिवेटेड कार्बन सेल्टिक विथ KMnO4, KMnO4 अनबर्मिकुलेट प्यूरोफिल, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इथाइलिन एब्जॉर्बेंट्स विच आर यूज इन ऑल वेजिटेबल्स फॉर द इंक्रीजिंग द शेल्फ लाइफ। प्री पैकेजिंग इट इज जनरली डिफाइंड एज पैकेजिंग ऑफ द प्रोड्यूस इन कंज्यूमर साइज यूनिट। हम दे मोस्टली देखते होंगे कई बार जब मार्केट जाते हैं तो दो दो किलो के बैग में आलू पैक हुआ रहता है, मशरूम पैक आते हैं छोटे छोटे पैकेट में, सेब पैक हुआ रहता है रैपर्स में, तो इनको क्या करते हैं, इन्हीं को हम प्री पैकेजिंग, मतलब जो कंज्यूमर के हिसाब से जो छोटे छोटे उसमें पैकेट रहता है उसको प्री पैकेजिंग बोलते हैं। प्री पैकेजिंग का फ़ायदा क्या है, ये सेल्फ लाइफ को इंक्रीज करते हैं और उसमें फिजिकल लॉसेज जो ब्रूशिंग, मैकेनिकल लॉसेज ब्रूशिंग होता है या मॉइस्चर लॉस जो होता है और कोई सी प्रकार का ये माइक्रोबियल अटैक को इन सबको रोकता है, तो ये भी एक प्री पैकेजिंग प्रैक्टिसेस जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेल्फ लाइफ बढ़ाने में। ठीक, अब और इसमें जो वेरियस टाइप के प्री पैकेजिंग मटेरियल होंगे उसमें सबसे बढ़िया पॉलीथाइलिन फिल्म सबसे बढ़िया यूज किया जाता है, सबसे अच्छा काम का होता है। और इसमें एक चीज़ और करना है, जब हम पॉलीथाइलिन फिल्म से उन्हें कवर कर देते हैं तो उसमें इंपॉर्टेंट में होता है ब्रीदिंग फिल्म्स फॉर पैकेजिंग सच एज पॉलीस्टरीन फिल्म विद सफिशियंट नंबर ऑफ होल्स टू अवॉइड एनारोबिक कंडीशन। हमें ये भी ध्यान रखना है कि उसमें एनारोबिक कंडीशन नहीं क्रिएट होना चाहिए पैकेजिंग मटेरियल में, तो इसलिए हमें वो जो हल्के हल्के बहुत माइन्यूट छिद्र वाले पॉलीथीन है उनको यूज करना चाहिए और उसमें भी पॉलीस्टरीन फिल्म सबसे अच्छा माना जाता है। पैकेजिंग पैकेजिंग जब हम उसके बाद आते हैं जैसे गनी बैग और सब, वो कैरेट्स यूज करते हैं हम ना, बम्बू बास्केट, गनी बैग, वुडन बॉक्स, प्लास्टिक क्रेट्स, इनको कोरोगेटेड फाइबर बोर्ड जो मोस्टली फ्रूट के लिए आजकल कोरोगेटेड फाइबर बोर्ड आता है आपका, उसको यूज करते हैं जो बहुत, जब हमें लॉन्ग डिस्टेंस के लिए जाना होता है या बहुत लार्ज साइज में प्रोडक्ट को स्टोर करना होता है, तो ऐसे में भी क्या होता है जब इसको इनकी बड़े पैकेट में इनक्रीज करते हैं, अब इससे कैसे सेल्फ लाइफ बढ़ती है, सेम चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई होता है कि आपकी फिजिकल लॉस और फिजियोलॉजिकल लॉस और मैकेनिकल लॉस को थोड़ा बहुत इनहिबिट करता है, थोड़ा बहुत रोकता है कि आप ना होने पाए। ट्रांसपोर्टेशन, अगर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी बहुत अच्छी है कि हमें यहाँ से मेरठ से लखनऊ भेजना है या बरेली भेजना है या बंगलोर भेजना है, तो अगर आपके पास बहुत अच्छी खासी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है जिसमें कोल्ड चेन सिस्टम भी हो, जिसके कारण कोल्ड चेन सिस्टम होगा तो प्रोडक्ट की मतलब ये जो शेल्फ लाइफ होगी बढ़ जाएगी, लो टेम्परेचर पे माइक्रोबियल लॉ इन अटैक और फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी थोड़े डाउन हो जाती है, तो जिसके कारण प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, इसलिए हमें इसकी ज़रूरत है कि हमें ऐसे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी इंडिया में डेवलप करें कि अगर हम कहीं पर भी ले जाना तो हमारे पास कोल्ड चेन डेवलप उसमें होना चाहिए, तैयार दिया भी होगा। ठीक, रेल ट्रांसपोर्ट इज 8 to 10 times मोर इफिशियंट दैन रोड ट्रांसपोर्ट बट इज कंट्रीब्यूशन ऑफ वेजिटेबल ट्रांसपोर्ट इज रिलेटिवली लो। अभी भारत सरकार ने पिछले 2-3 साल के अंदर महाराष्ट्र से बिहार तक के लिए एक किसान रेल चलाया था जिसमें हम ट्रांसपोर्टेशन की सब्जियां यहाँ से वहाँ और फ्रूट से यहाँ से वहाँ भेजे जाएँ, जिसके कारण हमारे लॉसेस कम हो, जिससे कि सरकार का भी कम नुकसान हो और किसानों को बहुत ज़्यादा फायदा हो। इरेडिएशन या कोल्ड स्टरलाइजेशन, इरेडिएशन या कोल्ड स्टरलाइजेशन इसके लिए इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें कोल्ड स्टरलाइजेशन इसलिए बोलते हैं, पहले बता दूँ क्योंकि यहाँ हमें हीट अप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, बिना विदाउट हीट के हम क्या कर लें रेडिएशन के माध्यम से उसको कंट्रोल कर देते हैं, उसकी सेल्फ लाइफ को हम बढ़ा दे रहे हैं, इसीलिए इसको कोल्ड स्टरलाइजेशन बोलते हैं। एक्सपोजर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स टू रेडिएशन स्पेशली टू म्यूटोजेनिक रेडिएशन इज नोन एज इरेडिएशन। इसकी जो डोज होती है 75 से 150 GY कैन प्रिवेंट स्प्राउटिंग एंड रेडिएटेड पोटैटोज कैन बी स्टोर सक्सेसफुली फॉर मोर देन 6 मंथ। ठीक, मतलब ये जो रेडिएशन होता है रैपेनिंग और सेनेसेंस को डिले करता है, इसीलिए इसको इसको भी हम क्या करते हैं यूज करते हैं पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेसिंग। और 99% ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोड्यूस आर कंज्यूम्ड इन फ्रेश फॉर्म, इवन 99-95%। हाउ एवर दे आर ऑल्सो यूज टू द फॉर्म ऑफ कैन डिहाइड्रेटेड फ्रोजन सॉस पिकल एटसेट्रा। द प्रोसेसिंग ऑफ वेजिटेबल्स नॉट ओनली रिड्यूसेस द पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस बट ऑल्सो इंक्रीजिंग द एलिजिबिलिटी थ्रू वैल्यू एडेड प्रोडक्ट फॉर्मेशन। कहने का मतलब यह है कि अगर हम जो चीज़ें अभी इतनी मेहनत प्रैक्टिसेस पढ़े, अगर हमें टमाटर से चटनी या आलू से चिप्स बनाना है तो हमें इतनी चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है, आलू हमने हार्वेस्ट किया उसको पैकेट में पैक किया उसके बाद इंडस्ट्री में भेज दिया,
इंडस्ट्री में जाती हो, आपका बाय प्रोडक्ट तैयार, बाय प्रोडक्ट आप ले जाके मार्केट में बेचवा दीजिए, आपका एक मार्केट सिस्टम मार्केट चैन होनी चाहिए। तो अब बाय प्रोडक्ट का क्या फ़ायदा होता है कि अगर कई बार क्या होता है कि आपने मान के टमाटर उगाया, आपको एक साल तो बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया, अब आपको देखे देखा क्या हुआ कि आपके आसपास वाले ने बहुत लोगों ने टमाटर की खेती कर ली, फिर उसमें मार्केट में इतना ज़्यादा टमाटर आ गया कि टमाटर का जो प्राइस था वो इतना डाउन आ गया कि आपको अपना कास्ट ही नहीं निकल रहा। तो ऐसे केस में क्या करोगे कि आप टमाटर को फेंक दोगे? नहीं, फेंकना नहीं है, टमाटर को क्या करना है, उसकी चटनी सॉस केचप बनाइए, फिर उसको बाय पैकेट में तैयार करके उसको बेचिए। आप ये देखेंगे कि जब हम बाय प्रोडक्ट या वैल्यू एडेड प्रोडक्ट तैयार करके बेच रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा हमें हायर रिटर्न हो रहा है कम्पेयर टू जब हम उसे डायरेक्ट टेबल पर्पज़ के लिए बेच रहे हैं, कंज्यूमर को डायरेक्ट हम बेच रहे हैं। तो हमें बाय प्रोडक्ट की तरफ जाना चाहिए, बाय प्रोडक्ट जब हम यूज कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली जो हमारा पोस्ट हार्वेस्ट लॉस हो रहा है उसको भी हम क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे। स्टोरेज, स्टोरेज में अगर प्रोसेसिंग के बाद मतलब ये है कि पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट का एक प्रैक्टिस है कि अगर स्टोरेज फैसिलिटी आपके पास अवेलेबल है तो किसी भी प्रोडक्ट को आप आसानी से 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, या ट्यूबर क्रॉप रूट क्रॉप है तो हम उसको 6-6 महीने तक हम स्टोर किए रहते हैं। सबसे पहले कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज में एक कारण ये होता है कि इसमें इंक्रीज सेल्फ लाइफ क्यों होती है, क्योंकि लो टेम्परेचर की वजह से जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन होता है वो डाउन हो जाता है, रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन जो होते हैं वो डाउन हो जाता है, जिसके कारण आपका सेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाता है। मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक स्टोरेज पैकेजिंग या कंट्रोल्ड एटमॉस्फेरिक पैकेजिंग, ये स्टोरेज भी इसको हम बोलते हैं। मॉडिफाइड में क्या होता है कि जब पॉलीथालीन शीट में उसको पैक कर देते हैं तो बाहर से उसको O2 मिलता नहीं है और CO2 लेवल बढ़ता रहता है, तो प्रोडक्ट का जो रेस्पायरेशन होता है वो रिड्यूस होता जाता है। जब रेस्पायरेशन रेट रिड्यूस होता जाएगा तो इथाइलिन प्रोडक्शन नहीं होगा, इथाइलिन प्रोडक्शन नहीं होगा तो प्रोडक्ट की सेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। इसी पे काम करता है हमारा मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक पैकेजिंग। कंट्रोल्ड एटमॉस्फेरिक पैकेजिंग में क्या करता है, CO2 और O2 की जो लेयर चाहिए स्पेसिफिक लेवल, उस स्पेसिफिक लेवल को हम मेंटेन करते हैं। मान चलो 2.5% O2 चाहिए, 6% CO2 चाहिए हमें, तो उस पर क्या करते हैं हम कि दोनों को उतनी हमारे पास बड़ी बड़ी मशीनें होंगी वहाँ पर उतने को मेंटेन करते हैं। तो यही दोनों में अंतर होता है। मॉडिफाइड में क्या होता है, विद इन एटमॉस्फियर जो होता है प्रोडक्ट जो होता है वो अपनी एटमॉस्फेरिक उसको कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है, जबकि कंट्रोल्ड एटमॉस्फेरिक पैकेजिंग में हम मेंटेन करते हैं उसको मशीन के माध्यम से स्पेसिफिक लेवल पे। बस यही इनमें बेसिक अंतर होता है। तो ये हमारे कुछ मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस थे जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप देख लीजिए। और हो सकता है कि मैं बहुत अच्छे से एलेबोरेट शायद नहीं कर पाया हूँ, लेकिन आप इसको जितने भी मेथड्स इनको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद।